हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू लच्छा नमकीन। तो बनाना शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमको चाहिए आधा कटोरी मूंगफली, दो आलू, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और आलू को कद्दूकस करेंगे। अब हम इसको कॉटन के कपड़े में खाली करेंगे थोड़ी देर सुखाने के लिए। इसमें जितना पानी बचा होगा हम इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम आलू को एक बाउल में खाली कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सूख गए हैं। अब कढ़ाई में हमने तेल गरम करने रख दिया है। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें इनको डाल देंगे। इनको डालने के बाद हल्के हल्के चलाएंगे। ऐसे हल्के हल्के हमको गैस मीडियम और हाई फ्लेम में ही इसको पकाना है। इसको पकने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। जब तक ये क्रिस्पी न बन जाए तब तक हम इनको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। हम इसको ऐसे ही थोड़ा और चलाएंगे। तो अब ये हमारे अच्छे से भुन गए हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में मूंगफली भी भून लेंगे। मूंगफली को हम ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहेंगे। मूंगफली को हमने अच्छी तरह से भूनना है, नहीं तो इसमें कच्चापन आ जाएगा। और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगी। तो अब मूंगफली में चट्टा चट्टा की आवाज़ आने लग गई है। मूंगफली भुन गई है। हम इसको निकाल के प्लेट में खाली कर देंगे। अब हम इसमें 8-10 कड़ी पत्ते भून लेंगे। करी पत्ता डाल के इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और नमकीन दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। तो अब कड़ी पत्ते भुन गए हैं। हम इसको नमकीन में डाल लेंगे। अब हम इसमें नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल लेंगे। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डालेंगे तो ये नमकीन बन गई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।